हिमालय की वादियों, बहते हुए झरने और पक्षियों का चहचहाना इतना इतना आनंद दे गया। उन्होंने वहीं पर प्रभु की समाधि में लीन होने का मन बना लिया। तुम्हें पता है पुत्रों, उनकी समाधि से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि महर्षि नारद जी उनकी तपस्या से उनका इंद्रासन छीन लेंगे। फिर इंद्र देवता ने अपने मित्र कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने चारों बाण मारे, परंतु नारद जी के तप को भंग ना कर सके। फिर जब नारद जी अपने ध्यान से जागे, उन्होंने देखा कि कामदेव जी उनके चरणों में बैठकर त्राहिमाम क्षमा की भीख मांग रहे हैं, और नारद जी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। कथा का प्रारंभ वहीं से होता है। कामदेव का काम चला, परंतु नारद जी को पता ना चला। वह इतने उत्साह में भोले बाबा शिव शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और तो और विष्णु जी के पास भी गए और अपनी कथा का व्याख्यान करा। और उन्हें लगा कि संसार में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। यहीं से नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर फूट गया। बस उसी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु जी ने एक लीला रची, एक नगर श्रीनगर बसाया और वहां के राजा महाराजा शील निधि जी को बनाया। नारद जी भी भ्रमण करते हुए उस नगर में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने देखा इतना सुंदर नगर, इतना विशाल नगर। द्वारपाल से पूछने पे द्वारपाल ने बताया कि नारद जी, यह महाराज श्री निधि जी का नगर है और श्रीनगर है। जब वहां पे नारद जी पहुंचे, उन्होंने श्री निधि जी की कन्या विश्वमोहिनी जी को देखा, परंतु पुत्रों वह विश्वमोहिनी नहीं थी, वह साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो विश्वमोहिनी जी के रूप में वहां पर नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए आई थी। ये सारी लीला विष्णु भगवान ने ही रची थी। नारद जी के मन में विश्वमोहिनी से विवाह करने का मन और उज्जवल करने लगा। उसी को तोड़ने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान से उनका हरि रूप मांगा। परंतु पुत्रों, तुम्हें पता है हरि रूप किसका होता है? किसका गुरुदेव? पुत्रों, हरि रूप वानर का होता है। और वही रूप उन्होंने लेकर सोचा कि संसार में अब मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। वैसे ही आगे चलते चलते प्रभु अपनी लीला दिखाते गए। अंत जाकर नारद जी का जब भ्रम टूटा, तो क्रोध में आकर उन्होंने ही विष्णु भगवान जी को श्राप दिया कि जिस नारी के चक्कर में पड़कर तुमने मेरा जगत हसी करवाई है, उसी नारी के चक्कर में तुम मृत्यु लोक में दर दर भटकोगे। और जो हरि रूप देखकर वानर का तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, वही वानर तुम्हारे काम आएंगे। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु जी को प्रभु राम का स्वरूप लेकर धरती पर आना पड़ा। जी गुरुदेव।